नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर नीमका थाना जिले के खेतड़ी उपखंड स्थित शिमला गांव से आ रही है, जहां पर करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। फिलहाल परिजनों व ग्रामीणों ने शव को पावर हाउस के आगे रख रखा है और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरा मामला बता दूं कि शिमला गांव की रहने वाली 40 वर्षीय शर्मिला खेत में जा रही थी। इसी दौरान बीच रास्ते में 11 केवी के बिजली के तार लटके हुए थे, जिसकी चपेट में आने से महिला को करंट लग गया और करंट लगने से मौके पर ही महिला ने दम तोड़ दिया। परिजनों व ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का बड़ा आरोप लगाया है और मुआवजे व नौकरी की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। पूरा मामला शिमला के पावर हाउस के आगे धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें ग्रामीणजन व परिजन बैठे हुए हैं। वही सबको भी पावर हाउस के आगे रख रखा है और उच्च अधिकारियों से वार्ता के लिए बात कही जा रही है। उच्च अधिकारियों के आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। अभी वर्तमान की बात की जाए तो धरना प्रदर्शन जारी है और मुआवजे व नौकरी की मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग को इस ढीले तारों को लेकर कई बार अवगत भी करा दिया था, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं गया, जिसकी वजह से आज एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई। बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश है, सबको रखकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वही मेहाड़ा पुलिस मौके पर मौजूद है और समझाइश की कोशिश की जा रही है। हमारे गांव शिमला के अंदर एक 40 वर्ष की महिला 11,000 की लाइन से टच हो गई और उसकी मौके के ऊपर ही मृत्यु हो गई। हमारे गांव के अंदर जितनी भी तार लाइनें हैं सबकी हालत खराब है और अब 4 घंटे हो चुके हैं हमारे गांव के अंदर ये घटना घटे हुए। बिजली विभाग का न तो कोई लाइनमैन, न कोई कर्मचारी, न जैन किसी ने आके सुध नहीं ली है हमारे गांव की आज, और अभी तक न तो कोई बड़ा अधिकारी आया है, न SDM साहब आए हैं, न हमारे विधायक आए हैं। हम तब तक यहां से नहीं हटेंगे तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये धरना ऐसे ही रहेगा। मामला ये हुआ है, हमारे गांव के एक लेडीज है शर्मिला नाम की, उनकी उम्र है 40 वर्ष। वो घास लाने के लिए खेत में गए थे तो वहाँ तार लूज थे जिनके उनको टच हो गए, 11,000 वाली लाइन थी और टच होते ही वो बेहोशी में हालत हो गई। हम उसको नारनौल लेके गए, उसे ले जाने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। अब हम उनको लेकर के पावर हाउस में आ चुके हैं, हमें 2.5 से 3 घंटे हो गए अधिकारियों को फ़ोन किए, लाइनमैन को, विभाग को, जैन को, एन को, लेकिन अब तक कोई नहीं पूछा है, न इसमें कोई कार्रवाई है। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगी, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगी, जब तक हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्या मांगी है? हमारी मांग ये है उस परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, गरीब परिवार से है और उसको एक लड़का है, हम चाहते हैं कि सरकार उसको एक नौकरी दे। ये हमारी मांगे हैं, ये हमारी मांगे पूरी होता ही हम इस धरना प्रदर्शन को 2 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे और हम हमारी वहां से डेड बॉडी उठाकर अंतिम संस्कार के लिए चले जाएंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगी, जब हम तक ये डेड बॉडी नहीं उठाएंगे यहाँ से, नहीं उठाएंगे। हमारे परिवार को, इनको एक लड़का है, लड़की, इनको नौकरी चाहिए और इनको मुआवजा चाहिए। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। पूरा प्रशासन अधिकारी यहाँ आए और हमें न्याय दिलाएं तब हम यहाँ से उठेंगे और सभी ग्रामवासी, सभी युवा, बड़े बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं। हमें न्याय मिलने के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। Thank you.